हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन। तो टिफ़िन में आज बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं सैंडविच, जिसमें मैंने सारी सब्जियाँ काटी, जिसमें कि मैंने टमाटर, प्याज, खीरा, थोड़ा सा सूजी और थोड़ा सा मलाई, फ्रेश मलाई जो होती है दूध वाली, वो मैंने इसलिए डाला है क्योंकि सब्ज़ी जो है अच्छे से मिक्स हो जाए और बिखरे ना, और सूजी से बाइंडिंग आ जाए अच्छी सी। तो यहाँ पे मैंने ये सारी सब्जियों को इसमें मिक्स करके थोड़ी थोड़ी मैंने गलाने के लिए रख दिया था सूजी को, सूजी फूल जाए। और उसके बाद थोड़ा सा इसमें नमक, थोड़ी काली मिर्ची, अगर आपके पास ओरिगेनो वगैरह पड़ी है तो वो भी डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, बहुत गजब का टेस्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको जो है लगा दिया है ब्रेड पे, एक हाथ मेरे फोन लग रहा है वैसे इस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको कर दिया है तैयार, बहुत ही गजब का ये सैंडविच बनके तैयार होता है और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। दूसरा इसमें वेजिटेबल्स हैं तो बच्चे बहुत नहीं खाते हैं तो वो भी खा लेते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने ये रखा है तवा, उस पर मैंने थोड़ा सा लगा दिया था बटर। बटर लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा और बटर लगा दूँगी, जिससे कि ये सब्ज़ी जो है चिपके ना और अच्छे से जो है ना हमारी सूजी पक जाए, कच्ची ना रहे। तो इस वजह से मैंने पहले वो वाला हिस्सा डाला और गैस को मैंने थोड़ा सा ना सिम ही रखा है, जिससे कि जले भी ना और अच्छे सिक भी जाए। तो अब यहाँ पे अच्छे से हम इसको सिकने देंगे, तब तक हम अपना दूसरा वो है ब्रेड तैयार कर लेंगे इसी तरीके से। आप चाहें तो इस पर ना पिज्ज़ा सॉस भी लगा सकते हो या वैसे ही टमाटो केचप भी लगा सकते हो तो और अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसमें ये नहीं है अलग से आपको सॉस रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस देखिए यहाँ पे दूसरा भी मैंने तैयार कर लिया है और इधर ये पलट लिया है अच्छे से। जब लगेगा कि बहुत अच्छे से पक गया है, हमारी सूजी अच्छे से कच्ची नहीं रही है, तो इस तरीके से देखिए ऊपर नीचे अच्छे से सेक लीजिए। तो लीजिए हमारा बहुत ही बढ़िया सा ये बच्चों का सैंडविच बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, मैं तो इसको वैसे ब्रेड वाला पिज्जा ही बोल देती हूँ। तो लीजिए यहाँ पे बच्चों का हो गया है टिफ़िन तैयार। थोड़ा सा ठंडा करके रखूँगी, नहीं तो ये गीले गीले से गर्म रख देंगे ना तो नीचे से पसीस जाएंगे, मतलब गीले गीले से हो जाएंगे तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा मैं इसको ठंडा कर रही हूँ और बच्चे जो है मेरे हो गए हैं रेडी, तैयार हो चुके हैं। तो जी अब मैं आपको सीधा शाम को ही मिल रही हूँ। तो शाम में जो है मिस्त्री जाने के बाद जो काम ख़त्म हो गया था अभी आज का, तो उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई, क्योंकि आज भी मेरा घर बहुत ज़्यादा, घर तो घर डेली ही गंदा हो रहा है, लेकिन जो ज़्यादा गंदा होता है ना वो उस दिन होता है जिस दिन घिसाई होती है दीवारों की। तो आज बाथरूम की घिसाई हुई थी तो बहुत बहुत ज़्यादा गंदा घर हो गया था। तो पहले मैंने वही उस दिन की तरह डस्टिंग, झाड़ू वगैरह वो सब किया, मैंने कहा रोज़ रोज़ नहीं अच्छा लगता ये चीज़ दिखाना। और फिर मैंने आज पूरा घर धोया है, क्योंकि बिना धोए डस्ट जो है वो जाए, कितना भी झाड़ू लगा लूँ वो डस्ट उड़ ही रही थी। तो मैंने कहा आज तो मुझे धोना ही पड़ेगा। तो आज, कल भी धोया था मैंने घर, तो आज भी धोया, डेली धो रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो मैं डेली ही बिना धुले जा ही नहीं रही, डस्ट उतना ही उतना धो देती हूँ अंदर कमरे में, एक बार राउंड लगा के पोछा भी लगा रही हूँ फ़िलहाल तो मैं, क्योंकि बिना पोछे के भी नहीं वो हो रहा है घर में गंदगी। जो मुझे बहुत प्रॉब्लम है डस्ट से, सच्ची बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरे दांतों में अजीब सा, अभी जब से ये काम चल रहा है ना, एक अजीब सा दांतों में होने लगा है, बहुत ही, जो कैसे बताऊँ आपको, किस किस हट जैसी दांतों में रहती है मिट्टी की वजह से। तो इधर मैंने कपड़े धुलने डाल दिए हैं, यहाँ पे आज बच्चों की ड्रेस भी धुलनी थी। बच्चों की ड्रेस तो लगभग डेली सी ही धुलती है दोनों की, तो बच्चों की ड्रेस हो गई थी, बाकी सभी लोगों के कपड़े हो गए थे। और आज जो है भैया चले गए हैं, भैया का जो है ना अभी तो घर से ही काम चल रहा था, घर से ही काम कर रहे थे, ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन अभी वहाँ से बुलावा आ गया था उनका, तो आज भैया भी जा चुके हैं। तो आज भी हमारा घर ना थोड़ा सूना सूना हो गया, क्योंकि बहुत महीनों हो गए भैया को काम यहीं से चल रहा था, और रात को लेट सेट तक जगना, सब मतलब रात में बहुत लेट तक लाइट जलती रहती थी, जगते रहते थे, तो एक वो रहती थी। तो अभी भैया चले गए हैं तो एक अजीब सा लग रहा है, खालीपन सा, आज दोपहर में निकल गए थे वो। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े धुलने के लिए डाल रही हूँ सारे, देख देख करके कि क्या क्या चीज़, मतलब बच्चों की लाइट कपड़े हैं ना, तो पहले वो सारी चीज़ धुलूँगी, फिर बाकी जो वैसे कपड़े हैं बाद में डाल दूँगी। तब तक बस मैंने घर को धुल दिया है, अभी मुझे लगाना है यहाँ पे पोंछा, और फिर उसके बाद मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। तो प्लीज़ वीडियो को जो है छोड़ के मत जाइएगा, स्किप मत करिएगा, और मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आपके मन की जो है बतानी है, कुछ कुछ आपके क्वेश्चन के सवाल भी, जवाब भी मुझे देने हैं, मैं सवाल बोल रही हूँ, क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको देने हैं, कुछ बता बातें भी करनी है। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा।
बिल्कुल खांसी, गेट बंद कर देना उसका, बैठक का, बैठक क्या, आप तो रसोई घर है, वो रसोई घर का। तो फ्रेंड्स आपसे सुबह मैंने वो किया, क्या बोलते हैं, बच्चों का टिफिन बनाया, पूरी दोपहर कोई शूट ही नहीं किया वीडियो, क्योंकि आज पूरे फिर घिसाई हुई थी बाथरूम की, तो बस बहुत बुरी हालत हो गई थी। फिर शाम को फिर से काम, वो थोड़ा सा दिखाया, फिर नहा के दोबारा से नहाई हूँ, और फिर आके मैं आपसे अब बात कर रही हूँ सीधा सीधा। तो मुझे आपसे बहुत जरूरी बात भी करनी थी, और कुछ जो है क्वेश्चन, कुछ कमेंट मुझे बहुत सारे आए भी थे, क्योंकि मैंने उस दिन आपसे पूछा था, जिस दिन मैं अपना किचन दिखा रही थी आप लोगों को, उस दिन मैंने आपसे यही पूछा था कि मैं ये अलमारी जो है, जो थी ना उसके साइड में, स्लैब के साइड में, उसको मैं कवर करा लूं, या फिर जब एक साथ ही नीचे वाला स्लिप का काम होगा तभी करवाऊं। तो उसमें बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किए, बहुत लोगों ने मुझे बताया, और अच्छी बात है, अपने अपने सब लोगों ने अपनी अपनी राय मुझे दी, बहुत अच्छा लगा। जिसमें कई सारे कमेंट थे, एक कमेंट ये था कि आप अपनी स्लैब को या अलमारी खत्म करवा के आगे करवा लीजिए, तो अच्छी, ये भी अच्छा लगा मुझे। और दूसरा बात, कईयों ने मुझे ये भी बोला कि आप एक ये सारा काम ना एक के साथ करवा लो, अपनी किचन का पूरा काम एक के साथ करवा लो, यानी फर्नीचर वाला भी, और एक ही साथ करवा लो, क्योंकि फिर वही है कि बंद वो काम तो फिर आगे कई सालों निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ये वाले कमेंट भी काफी आए थे मुझे, तो उसी का मैंने कहा चलो आप लोगों को, मैंने उसमें रिप्लाई में कुछ नहीं कहा था, मैंने समझ नहीं आ रहा था मैं आपको क्या जवाब दूं, और बहुत अच्छा भी लगा मुझे आप लोगों ने कि आपने अभी सलाह दी, और अच्छी भी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम कोई काम कराते हैं ना तो एक साथ में हो जाए तो हो जाए, फिर तो वास्तव में सालों ही निकल जाती है, नहीं नहीं नंबर लग पाता है, नहीं हो पाता है, बट मेरी मजबूरी है आपको, देखो आपसे क्या छुपाना, आप लोगों को बताना तो बनता है, नहीं तो फिर आप वही चीज कहोगे और फिर मुझे भी थोड़ा अजीब लगेगा। कि देखो बजट वाला हिसाब है, बजट अभी मेरा बिल्कुल भी नहीं अलाउ कर रहा है कि हम ये काम करवाएं, क्योंकि इसमें अगर हम एक पूरा किचन करवा रहे थे ना, उसमें हमारा कम से कम समथिंग 1 लाख के करीब पहुंच रहा था हिसाब, मतलब पूरा जो फर्नीचर लगवा के और जो कुछ चीजें करवा के, लगभग 1 लाख से थोड़ा बहुत कम था, लगभग उतना ही बैठ रहा था। दूसरा, हम लोग ये वाला काम भी करवा चुके थे, जो आप अलमीरा वगैरह देख रहे हैं ये वाला भी पहले हो चुका था। किचन का काम का हमारा मूड नहीं था, मैं सच बताऊं अभी, क्योंकि बजट भी नहीं था। दूसरा क्या था कि अभी कृष्णा का एडमिशन हुआ है, आपको पता ही है, कृष्णा का एडमिशन हुआ तो स्कूल हमने कृष्णा का चेंज कराया, CBSE से ICSE में गया है वो, तो उसमें भी अच्छी खासी उसकी जो है फीस गई है, तो फिर वही है कि अभी। और दूसरा दूसरा देखिए कि ये भी बात है कि आप फैमिली हो, देखो मैं इस वजह से बता रही हूँ, मैं फैमिली ही मानती हूँ, जब आप मेरा हर ब्लॉग देखते हो, हर चीज मेरी देखते हो, और मैं, मुझे अच्छा लगता है आप लोग मुझे कमेंट करते हो, बताते हो, या मैं आपको बताती हूँ और आप लोग अपना भी मानते हो, तो फिर मुझे भी बताना चाहिए ना, क्योंकि कोई चीज ना छुपाई नहीं छुपती है, और खासकर मैं तो नहीं, मतलब आप देख सकते हैं छुपाने वाली बात तो कि ये बहुत सी चीजें छुपाई भी जाती हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि जो भी चीज मेरे सामने है रियल ही मैं दिखाती हूँ, कोई फेक नहीं दिखाती, कोई बनावटी इसलिए नहीं दिखाती, क्योंकि कल को आप ही कहोगे आके कि वैसे बोलती है, ये नहीं वो नहीं, और ये चीज इतनी हाई फाई, तो भाई जितना जैसा मेरा है मैं वही दिखाती हूँ। तो अभी फिलहाल हमारा बजट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब से कोरोना काल निकल के गए तब से थोड़ा काम भी डगमगा गए हैं लोगों के, और खासकर सभी लोगों बिजनेसमैन के, तो अक्सर ज्यादातर मैंने देखे बिजनेसमैन के काम तो बहुत, तो मेरे पति बिजनेसमैन तो है ही है, तो इतना जिस तरीके से पहले उनका चलता था उस तरीके से अभी थोड़ा कम ही है, तो इस वजह से देखिए वही चीज सोचनी पड़ती है। दूसरा, मेरा यूट्यूब इनकम भी उतना नहीं है जितना कि मैं चाहती हूँ, जितना कि मेरी घर की सारी जरूरतें पूरी हो जाए उतना नहीं है, थोड़ा बहुत काम चलाऊ ये है कि बस, हाँ थोड़ा बहुत खर्चा वर्चा हल्का फुल्का चल जाता है, उतना ही है बस, जबकि इतना नहीं है। हाँ स्टार्टिंग में मेरी बहुत अच्छी अच्छी आई थी, स्टार्टिंग में मेरी सैलरी काफी अच्छी थी, अभी नहीं है, अभी पता नहीं, अब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये होगा, और आप देख सकते हैं मेहनत तो मैं बराबर कर ही रही हूँ, तो वो भी हमको देखना पड़ता है, देखना पड़ेगा। तो इसी वजह से अभी देखिए मेरा किचन का बताया ना आपको, मूड ही नहीं था, क्योंकि कृष्णा की फीस जमा हुई थी, बहुत ज्यादा जमा हुई थी, अभी क्या बताऊँ आपको, खूब ज्यादा जमा हुई थी, जितना कि मैं बता नहीं सकती, फिलहाल में उतना हुआ। फिर हमने फर्नीचर का काम लगाया, उसमें भी बहुत पैसे खर्च हो गए, और उसके बाद फिर अचानक से किचन का भी बन गया, तो किचन मेरी बहुत भद्दी हो रही थी, किचन का मुझे जरूरी जरूरी जो काम था मैंने वही करवाया, क्योंकि
क्योंकि किचन हमारी, आपको पता है, 2 साल पहले हमारे जो घर का काम हुआ था तब हमने किचन को बढ़वाया था। किचन का स्लिप मेरा शुरू शुरू से देखते आ रहे हैं, उनको पता होगा, सिंगल स्लिप था, एक ही था दीवार तरफ। फिर जब घर का काम हुआ तो फिर हमने किचन ऐसे एल साइड में और करा ली, गेट उसका ओपन करा दिया, ये कुछ चीजें करवाई थी। तो वो ऐसा ही पड़ा था 2 साल से। उस पे सिंक भी मेरी बस ऐसे ही रखी थी, लग नहीं पाई थी, स्लिप नहीं लगी थी, सिंक नहीं लगी थी, प्लास्टर भी नहीं हुआ था, जैसी कि जैसी पड़ी थी। तो आपने देखा भी होगा कितनी भद्दी लगती थी। तो वो इसीलिए ये जरूरी काम था। बाथरूम भी ऐसे ही पड़ा था जैसे कि 2 साल पहले था, तो अच्छा नहीं लगता था। इसलिए ना हमने सोचा कि पहले जो जरूरी जरूरी काम है ना वो करा लेते हैं। और देखिए, रही बात, ये ठाकुर जी चाहेंगे तो ये भी होगा। और ऐसी बात नहीं है कि अगर अभी ये किचन का बता रही, प्रभु की इच्छा से हुआ है, कोई भी हमारा प्रोग्राम ही नहीं था, ठाकुर जी की इच्छा थी। कि कहते हैं ना, एक सब्र का फल जो है मीठा होता है। मैंने बहुत सफर किया था, मैं कहती तो बहुत थी कि यार ये किचन का करा दो, यार ये किचन का, लेकिन कोई ना कोई काम आ जाते थे, कोई ना कोई काम आ जाते थे। तो हम लोग वही सोचते थे कि यार किचन में कम से कम करवाएंगे तो 25-50 हजार तो लगभग मान ही लो खर्चे में चाहिए चाहिए, वो चीज लग रहा था। तो फिर कोई ना काम आ जाता था, तो फिर छोड़ देते थे। तो मैंने उम्मीद भी छोड़ दी, मैंने चलो कोई नहीं, अभी तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा ये काम हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा काम हुआ कि वो हो ही गया। फिर बार ठाकुर जी की कृपा ऐसी हुई कि ये कब से बेचारी इंतजार कर रही है, तो चलो इसका कुछ तो करते हैं। तो फिर किचन का काम मेरा हो गया। तो इस वजह से ना अभी मेरा बजट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है उसके हिसाब से, जितना हमारा बजट था उसके ऊपर चला गया। तो अभी मैं नहीं करवा सकती हूँ, बात ये है। इसलिए मैंने कहा आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आप लोगों ने देखो सही सलाह दी, बिल्कुल सही सलाह दी कि कोई काम होता है तो लगता है होते में हो जाए तो फिर हो जाता है, वरना तो फिर रह ही जाता है। पर देखिए, कोई नहीं, ठाकुर जी की कृपा होगी तो फिर जल्दी से होकर आप लोगों की भी कृपा होगी। आप लोग मेरी वीडियो को प्लीज शेयर करिए, खूब अच्छे से देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो अगर मेरी इनकम अच्छी होगी तो फिर मेरा ये काम भी बहुत जल्दी, मैं अपने सपनों का घर जब बनाऊंगी, क्योंकि मन में विश्वास होता है ना और हमारी लगन होती है, मेहनत होती है, तो हम हर चीज हासिल कर लेते हैं। तो चलिए, अभी बातें हो गई बहुत ज्यादा, और आप लोगों को प्लीज कोई बुरा मत मानना, ना ही मैंने कोई बुरा माना, आप लोगों की बात मानी मुझे, मतलब लेकिन ये चीज मैं लग रही थी ना मुझे, कह रहे यार आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी सलाह दी मुझे तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन स्लिप मैंने, स्लिप का यही था, हमें बढ़वाना बढ़ाना कोई काम किया ही नहीं था। जो था उस पर पत्थर चेंज करवाया, क्योंकि वो पत्थर क्रैक भी हो गया था जो पहले निकला था ना उस वजह से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी सलाह दी, अच्छी अच्छी बातें मुझे बोली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट ये अब मेरी किचन इतनी हो गई है, जैसे वो बहुत गंदी गंदी सी फील होती थी ना, दीवार बुरी बहुत गंदी, तो वो चीजें अब अच्छी हो गई हैं। और अभी थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग करेंगे तो फिर देखेंगे अभी क्या होता है। और ठाकुर जी कृपा, आपकी कृपा रहेगी तो फिर जल्दी से जल्दी अपना फर्नीचर का काम भी करवाएंगे किचन में, है ना। तो चलिए, अभी इसी के साथ ना इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे बनाना है खाना, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। और देख सकते हो मुझे गर्मी बहुत लग रही है, कपड़े धुलने मैंने डाल दिए थे वॉशिंग मशीन में, क्योंकि अभी फिलहाल मैं वॉशिंग मशीन ही चला रही हूँ। क्योंकि क्या है ना, अभी मेरे बाथरूम के जो नल है वो बंद पड़े हैं, किचन का ही एक अभी ओपन कर दिया, क्योंकि किचन में टाइल्स लग गए थे तो उस, क्योंकि टाइल्स की वजह से बंद करा दिए थे सारे नल। और बाथरूम के तो तीनों बंद पड़े हैं, बाथरूम में अब काम चल रहा था, आज आज कंप्लीट हो गया बाथरूम का काम, और फिलहाल किचन का भी हो गया, थोड़े बहुत काम रह गया है अभी, किचन में थोड़ा सा रह गया है। तो अभी नल वगैरह मेरा एक ही खुला हुआ है, जो मेरी वॉशिंग मशीन रखी है उधर, तो फिर इसी वजह से मैं वॉशिंग मशीन ही जला देती हूँ, जो भी डेली के कपड़े होते हैं उसी टाइम धुलते हैं। बहुत गंदा घर हो जाता है यार, बहुत गंदा, मैं कितना भी ढक लूं तो वो ढकने का ही है कि फ्रिज बार बार खुलता है तो उसको हटा दिया जाता है, ये चक्कर आ जाता है। हालांकि मैं किवाड़ वाड़ बंद करती रहती हूँ, फिर भी इतनी डस्ट उड़ती है ना बारीक वाली, वो नहीं बच पाता कोई भी घर, तो शाम को उतना ही मुझे करना पड़ता है। और हाँ, एक सवाल मुझे बहुत ज्यादा ये भी आ रहा था, हमें याद आ गया मुझे, कि आपकी कोई हेल्प नहीं कराता, आपकी सासू माँ हेल्प नहीं कराती। तो जी नहीं, सासू माँ मेरी हेल्प कराती हैं, फिलहाल जब से ये काम लगा हुआ है तब से तो झाड़ू मम्मी नीचे, मम्मी ही लगाती हैं झाड़ू वगैरह। क्योंकि क्या है कि अभी पोछा वगैरह तो नहीं लग रहा है बिल्कुल, कि पूरे ऊपर नीचे दोनों घरों में डस्ट हो रही है, क्योंकि बालू सीमेंट सब नीचे रखे हैं, और फिर जब जाल है तो फिर क्या है रहा कि काम चलता है तो कहीं बच नहीं सकता, तो नीचे भी उतना ही गंदा हो जाता है। तो फिलहाल मैं ये, जब मुझे टाइम लगता है तो मैं नीचे कर देती हूँ झाड़ू वाड़ू, से ज्यादा हुई थी उस दिन, मैं 2 दिन नीचे झाड़ू पोछा मैं ही करके आई थी, क्योंकि मम्मी इतनी बस की नहीं है। बाकी फिलहाल मैं अभी
जो है जब से काम लगा है तब से मम्मी ही नीचे झाड़ू लगाती। मैं नीचे झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगा रही क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता है। मम्मी कहती तू ऊपर ही देख ले, मैं नीचे झाड़ू वाड़ू कर लूंगी। इतना ही काम फिलहाल हो रहा है और मम्मी भी करती है, मेरी हेल्प। देखिए ऐसे इतने कामों में तो फिर लगता है कि नहीं हेल्प होनी चाहिए, तो मम्मी भी करती है। ठाकुर जी वगैरह मम्मी का, और ठाकुर जी का भी ये नहीं है कि मैं या मम्मी ही करें या मैं ही करूं। जो मुझे टाइम लगता है तो मैं कर लेती हूँ, मम्मी को लगता है तो मम्मी कर लेती है। तो छोटी मोटी हेल्प बच्चे भी करते रहते हैं। अभी तो क्या कह रही थी मैं, फिलहाल पतिदेव भी काफी हेल्प करा रहे हैं, उनको तो बाहर का भी बहुत रहता है, घर का भी करा देते हैं। पढ़िए कि मेरे लिए थोड़े से काम भाई एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, कोई बात नहीं चल जाएगा। और हाँ बहुत बातें हो गई, चलिए अब वीडियो को एंड कर देते हैं और मिलेंगे आपसे कल की नहीं कह सकती, पता नहीं कब मिलूंगी। अभी फिलहाल में तो काम इतना फैल रहा है कि व्लॉग बना ही नहीं पा रही, और बनाऊंगी तो क्या बनाऊं बताओ आप। घर में सारे में काम फैला हुआ है, दिन भर मशीनें चलती है, बस एक उसी का दिखाऊं खाना पीना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। आप भी लोग कहेंगे क्या वही वही दिखा देती है, तो भी थोड़ा सा सब्र करो। और जितना मुझसे हो पा रहा है मैं उतना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। अभी 2 दिन में जा रहा है ये ब्लॉग, 2 दिन नहीं गया है। आज देखिए मैं एडिट करके देखती हूँ हो जाएगा, अभी तो काम बहुत है, तो आज ही इसको मैं आपके पास भेजूंगी। और चलिए तो बाय, राधे राधे।